राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक बड़ा गेम प्लान तैयार कर रही है। इस नए गेम प्लान के तहत राजस्थान में कांग्रेस मोदी फॉर्मूला लागू कर सकती है। इसे भाजपा के मेगा प्लान को झटका लग सकता है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के मेगा प्लान के तहत विधानसभा चुनाव में जीत कराए विधायकों पर बड़ा दाव लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। पार्टी के अंदर खाने चर्चाएं तेज हैं कि विधानसभा चुनाव में जीत कराए कांग्रेस विधायकों को ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। पार्टी को भरोसा है कि जिन विधायकों ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है उनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव में भी दमखम से लड़कर पार्टी को जीत दिला सकते हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मौजूदा सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाया था। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये सुझाव दिया था कि सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए। भाजपा का ये फॉर्मूला काफी हद तक सफल रहा। मध्य प्रदेश में पार्टी को खासी कामयाबी हाथ लगी। राजस्थान में भी 7 में से 4 सांसद जीतने में कामयाब रहे और उनमें से 3 कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। जहां विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, वहीं लोकसभा चुनाव एक नेशनल लेवल पर नैरेटिव सेट किया जाता है, जिसकी बदौलत ग्राउंड लेवल पर उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में कांग्रेस अगर मोदी फॉर्मूले को राजस्थान में लागू करती है तो उसकी सक्सेस रेट क्या होगी, इसे लेकर भी बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अगर कांग्रेस इस फॉर्मूले को लागू करती है तो क्या अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा या उनके जरिए दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया जाएगा, क्योंकि नेताओं की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद कांग्रेस अपने वोट शेयर बरकरार रखने में कामयाब हुई। ऐसे में भले ही राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन पार्टी को लोकसभा चुनाव में कई उम्मीदें हैं। वहीं भाजपा के पास एक बार फिर से क्लीन स्वीप के रिकॉर्ड पर हैट्रिक बनाने की चुनौती है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।